क्या आप भी अपने इंस्टाग्राम आईडी का पासवर्ड और यूज़र आईडी भूल गए हो और आप चाहते हो कि मेरी पुरानी आईडी वापस आ जाए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से पुरानी आईडी को रिकवर कर पाओगे। और दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख पाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको लॉगिन पेज पर आना है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। दोस्तों, यदि आप यूज़र आईडी या पासवर्ड भूल गए हो या आपको पता नहीं है कि मैंने किस नंबर से अपना इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया था, तो दोस्तों आपको एक काम करना है। आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा लॉगिन के नीचे, गेट हेल्प, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। दोस्तों, आपको काफ़ी यहाँ सारे ऑप्शन मिल जाते हैं अकाउंट रिकवर करने के लिए, जैसे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, यूज़र आईडी। यदि आपको इसमें से कुछ भी पता है तो आप आसानी से पुरानी आईडी को रिकवर कर पाओगे। यदि नहीं पता है तब भी आप आसानी से अकाउंट को रिकवर कर पाओगे। दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जो भी मैं बता रहा हूँ एक एक करके मेरे स्टेप को फॉलो करना, वरना पुरानी अकाउंट को रिकवर नहीं कर पाओगे। दोस्तों, सबसे पहले अपना खुद का नंबर यहाँ अप्लाई करना है। अपने नंबर से चेक करना है कि हाँ, इस नंबर से अकाउंट क्रिएट है या नहीं है। यदि क्रिएट होएगा तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके उस नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। यदि नहीं आता ओटीपी तो समझना कि इस नंबर से मेरा अकाउंट क्रिएट नहीं है। और फिर आपके घर में जितने भी आपके मोबाइल नंबर होंगे एक एक करके आपको ट्राई कर लेना है। और उसके बाद भी आपका अकाउंट मतलब उन सभी नंबरों पे ओटीपी नहीं जाता है तो आपको एक काम करना है, आपको ईमेल आईडी ट्राई करना है एक बार। यदि आपका खुद का ईमेल आईडी है या घर में किसी जने का भी ईमेल आईडी हो तो आपको ईमेल आईडी डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यदि ओटीपी आता है आपके ईमेल आईडी पे तो समझना कि हाँ, इस ईमेल आईडी से आपका अकाउंट क्रिएट है, तो आपको इस स्टेप को फॉलो करना है। तो चलिए, मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ और मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं चेक करता हूँ कि इस नंबर से मैंने कितने अकाउंट क्रिएट करे। जो भी मैंने इस नंबर से जितने भी अकाउंट क्रिएट करे होंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो जाएगा, लिस्ट आ जाएगी उसकी। तो चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। दोस्तों, नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यदि इस नंबर से आपका अकाउंट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली इस नंबर पर ओटीपी आ जाएगा। गाइस देखिए, ओटीपी आने वाला है। इसका मतलब गाइस देखिए, ऑटोमेटिकली ओटीपी ले चुका है। और देखिए गाइस, मैंने इस नंबर से मैंने दो अकाउंट क्रिएट कर रखा, ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो गया है, लिस्ट आ गई है। तो आप भी अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उस पर ओटीपी आता है तो उस नंबर से जितने भी आपका अकाउंट क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली यहाँ शो हो जाएगा। यदि ईमेल आईडी से भी आपके चार या पांच अकाउंट क्रिएट होते हैं तो ऑटोमेटिकली एक लिस्ट आ जाती है। आप सभी अपने अकाउंट को आसानी से लॉगिन कर पाओगे। वो आपको पर डिपेंड करना है आपको कौन सा अकाउंट लॉगिन करना है। तो चलिए, मैं एक बार लॉगिन इनटू टू अकाउंट पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कैसे अकाउंट रिकवर होता है। गाइस देखिए, ये काफ़ी मेरा पुराना अकाउंट था, ना ही मुझे इसका यूज़र आईडी पता था, ना ही मुझे पासवर्ड पता था। मुझे पता भी नहीं था, मैं भूल गया था कि मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया था नहीं किया था। लेकिन आज मैंने ये ट्राई किया तो आसानी से मैं पुराने अकाउंट को रिकवर कर पाया। गाइस देखिए, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, गाइस आप इस स्टेप को फॉलो करके आसानी से आप जितने भी आपके पुरानी अकाउंट होंगे इंस्टाग्राम के आसानी से आप रिकवर कर पाओगे। तो चलिए, मैं इस बार मुझे यूज़र आईडी तो पता चल गया इस अकाउंट का, बस मुझे पासवर्ड नहीं पता। तो चलिए, मैं एक बार पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ। उसके लिए सबसे पहले अपने प्रोफाइल पर आना होगा। प्रोफाइल पर आने के बाद यहाँ ऊपर कोने पे थ्री डॉट ऑप्शन मिल जाता है, आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की साइड ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन मिल जाता है आपको फॉरगेट पासवर्ड का, उस पर क्लिक करना है। यदि आपको पासवर्ड नहीं पता है पुराना तो आप नीचे एक ऑप्शन दिख जाता है फॉरगेट, आपको इस पर क्लिक करना है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक मेल ऑप्शन आ जाता है। आपके मेल पे जो भी आपका जो इस आईडी पे जो भी आपका मेल अप्लाई होगा, मतलब अप्लाई कर रखा होगा, उस मेल आईडी पे आपका एक लिंक जाता है। और लिंक को ओपन करके आप आसानी से फॉरवर्ड कर सकते हो अपने पासवर्ड को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू गाइस। और जो भी प्रॉब्लम आपको आए तो आप कमेंट करके जरूर बता देना। यदि आपको समझ नहीं आ रहा कुछ भी बातें मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा, तो आप कमेंट जरूर करना। यदि आपका रिकवर नहीं हो रहा अकाउंट तो कमेंट जरूर करके बताना मुझे। थैंक यू गाइज़।